नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आशा आंगनबाड़ी से जुड़ी हर तरह की खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि ये खबर जो दिखाने जा रहे हैं बिहार राज्य से खबर निकल कर आ रही है। आप चाहे किसी भी राज्य से देख रही हैं, इस खबर को जरूर देखिए और शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। आइए हम सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार ICDS की तरफ से एक लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक लेटर दिख रहा होगा कि बिहार सरकार समाकेशित बाल विकास सेवा ICDS निदेशालय बिहार की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है 24/3/2022 को। यहीं आपको बताया जा रहा है कि प्रेषक निदेशक ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अररिया, औरंगाबाद, बांका, गया इस तरह से करके जिलों का नाम दिया गया है, जिसमें 13 जिलों को शामिल किया गया है। इसका विषय क्या बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के संबंध में, यानी बताया जा रहा है कि 2022-23 का जो बजट पेश किया गया था उसमें सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को बनाने की चर्चा की गई थी और उसके लिए बजट पेश किया गया था। अब उसको बनाने की बात कही जा रही है। इन 13 जिलों में जो है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को चूज करके भेजना है ICDS को, इसके लिए पत्र जारी हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्या इसमें सेवा शर्तें रखी गई हैं और किन केंद्रों को जो है कि अपग्रेड किया जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। यही आपको दिख रहा होगा कि महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अवलोकन में 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रति वर्ष 40,000 वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के भीतर सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उत्कृष्ट विकसित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जो कि प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा, जो कि 2022-23 से 2025-26 तक के अंदर यानी 5 साल के भीतर इस 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उसमें आधुनिक सेवा शर्तें दी जाएगी, उसको आधुनिक बनाया जाएगा। यही नीचे क्या बताया जा रहा है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति उक्त दिशा निर्देश का हिंदी रूपांतरण सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र हेतु तथा प्रस्ताव प्रतिवेदन का पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है। यानी बताया जा रहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र को ये दिशा निर्देश जो है कि दिया गया है उसको फॉलो करते हैं, उनको जो है कि अपग्रेड किया जाएगा। तो ये नीचे दिख रहा होगा कि अतएव संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 5/4/2022 तक शर्त पूर्ण करने वाले केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव एवं केंद्र का पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र के अनुसार गूगल शीट के माध्यम से संबंधित डाटा की प्रविष्टि किया जाए। ये बताया जा रहा है कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जो विकसित करने की प्रस्ताव है, जो पूर्ण विवरण को पूरा करते हैं, क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उनको जो है कि अपग्रेड किया जाएगा। उसमें ये बताया जा रहा है कि 5/4/2022 तक उनकी पूरा विवरण जो है कि ICDS विभाग को सौंपा जाए, ये उससे कहा गया है CDPO से। तो इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो बिहार राज्य से एक खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की बात कही जा रही है। इसमें 2,00,000 आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड किया जाएगा पूरे भारत में, जो प्रति वर्ष 40,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।